Now the eighth part of the first question is 797921. ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम? 7921 वी मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो दो पे बार फिर दो पे बार. ठीक है, अगर हम 9 का स्क्वायर लेते हैं, 9 9s are 81, दैट इज ग्रेटर देन 79, सो वी टेक 8 8 8s are 64, we'll get 5 1 here 21. ठीक है, अब 8 plus 8 is 16. अब यहाँ 16 के साथ ऐसा कौन सा नंबर इधर लगा के उसी नंबर से हम इसे मल्टीप्लाई करें टू गेट द आंसर इज 1521. ठीक है, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 हो. तो हम देखते हैं या तो ऐसा नंबर 1 है या फिर ऐसा नंबर 9 है, दोनों को स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे वी गेट 1. ठीक है, सो आई पुट 9 हियर. 1 तो थोड़ा क्लोज नहीं लग रहा है, 9 थोड़ा क्लोज लग रहा है. 9 9s are 81, 9 8s are 56, 9 6 are 54, 54 plus 8 is 62. ठीक है, दिस इज 62. 9 1s are 9 plus 16 is 15. ठीक, दैट मीन्स इफ वी पुट 9 हियर, अगर हम यहाँ 9 रखते हैं तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है. दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 7912 is 89. क्लियर है? नाउ वी मूव ऑन टू 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका कैसे करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, पेयरिंग करेंगे इसकी. ये करेंगे इधर, वील गेट 5 होगी, है ना? यहां पे सिर्फ 5 मिला हमको. 2 2s are 4. ठीक है, 2 का स्क्वायर करा, 4 मिला विच इज लेस देन 5, वील गेट 1 एज रिमाइंडर है. अब हम 76 पूरे को नीचे उतार लेते हैं. ठीक है, नाउ 2 plus 2 is 4. अब हम 4 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लगा के उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि यूनिट प्लेस पे हमें 6 मिले. सो दैट नंबर इधर कुड बी 4, 4 4 16, यहाँ पे दैट नंबर कुड बी 6. ठीक, तो अब हम 4 लगा के देखते हैं. यहाँ पर 4 4s are 16, 4 4s are 16, 17. दैट मीन्स यस, 4 इज दैट नंबर. नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24. क्लियर? नाउ वी बी डूइंग द 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. दिस इज 1024. फिर हम क्या करेंगे? पेयरिंग करके बार लगाएंगे दो दो की. फिर दो का पेयर बनाया, बार लगाया, दो का पेयर बनाया, वी पुट अ बार देयर. 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 3s are 9, दिस इज लेस देन 10. ठीक है, 1 रिमाइंडर मिला, 24 इधर. अगेन अगर हम देखते हैं कि 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर रखते हैं कि यूनिट प्लेस पे 4 आए, तो हम देखते हैं या तो दैट नंबर कुड बी 2 या फिर 8. 2 या 8 रखते हैं तो आंसर में जो है यूनिट प्लेस पे 4 मिलता है. तो 2 रख के देखते हैं, 2 2 4, 2 3 6, दिस इज लेस देन 124. अभी हम ट्राई करते हैं 8 से. 8 8s are 64. सॉरी, वी पुट 6 है, 3 plus 3 is 6. ठीक है, यहाँ पे 6 करा हमने. तो अगर हम 6 के साथ कौन सा ऐसा नंबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से इधर रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमें 4 मिलेगा. सो ऐसे कौन कौन सा ऑप्शन है? इधर वी कैन पुट 2 और 8 रखने से यूनिट प्लेस पे हमको 4 मिल रहा है. सो इफ आई टेक 2 है, 2 2s are 4, 2 6s are 12, दैट मीन्स यस, यहाँ पे 2 ही रखा जाएगा. ठीक, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 is 32. क्लियर? सो दिस इज द स्क्वायर. हियर वी कंप्लीट द 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी मूव ऑन टू द 11th पार्ट. 11 इज 3136. ठीक है, दो दो पे बाज लगा देंगे. इफ आई टेक द स्क्वायर ऑफ 6 6 6 36, दैट विल बी ग्रेटर देन 31. 31 से ज्यादा होगा ना, सो आई टेक 5. मैं 5 लेती हूँ.
फाइव फाइव आर 25, ठीक, क्लियर। नाउ 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा 6, और ये पूरा 36 विल कम हियर एज इट इज, ठीक है। अब 5 प्लस 5 इज 10, अब मैं 10 के साथ कौन सा ऐसे नंबर यहां लगा के उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट प्लेस पे भी 6 आए, तो मेरे हिसाब से फाइव टेक 6 है और 6 इधर भी, 6 इज 36, 6 0 0 3 एंड 6 1 6, दैट मीन्स आई विल पुट 6 है, 6 यहां लगाती हूँ, 6 यहां लगाती हूँ, आंसर इज 636, ठीक है। सो दैट मीन्स स्क्वेयर रूट ऑफ 3136 इज 56, क्लियर। नाउ आई मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 12th पार्ट, दैट इज 900। मैं क्या करूंगी, आई पुट बार्स, यहां पे एक ही नंबर बचा तो सिर्फ एक नंबर पे ही बार आएगा, ठीक है। 3 3s are 9, सो ये 0 है, ये दोनों 0 इधर आ जाएंगे। 3 plus 3 is 6, ठीक है। अब 6 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं टू गेट दिस 0, 6 0 0 0, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। दैट मीन्स स्क्वेयर रूट ऑफ 900 इज 13, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2।